दोस्तों आज हम जानेंगे करेला के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए। करेला खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे कब्ज, दर्द और जलन जैसी पेट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ढेरों जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करेला खाने के साथ दही या छाछ पीने की आदत है तो करेले की सब्जी ना खाएं, क्योंकि आपको इससे काफी नुकसान हो सकता है। करेला के बाद दही बिल्कुल ना खाएं। दही में पाया जाने वाला लैक्टिव एसिड और करेले में मौजूद तत्व मिलकर रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए करेला और दही का साथ में सेवन कभी ना करें। इससे आपको स्किन में रैशेज, खुजली जैसी परेशानियाँ हो सकती है। करेला खाने के बाद मूली खाने से बचें। मूली और करेला की तासीर अलग अलग होती है, इस कारण कई तरह की परेशानियां आपको हो सकती हैं। करेला के बाद मूली खाने से एसिडिटी, गले में खराश, कफ, सर्दी जुखाम जैसी समस्या बढ़ सकती है। करेला के बाद आम खाने से मुंह का टेस्ट खराब होता है, साथ ही उल्टी, जलन, मतली और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी में ज्यादा करेला खाने से दस्त, पेट फूलना, गैस आपको हो सकती है, साथ ही रेड ब्लड सेल भी नष्ट होते हैं, जिससे एनीमिया और मिसकैरेज आपको हो सकता है। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करेला के बाद भिंडी का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचाता है। शरीर को करेले के साथ भिंडी को पचाने में परेशानी होती है। रात में करेला खाने से कई समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उन्हें करेला दिन में ही खाना चाहिए। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए हैं कि करेला के साथ किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो आप भी इन चीजों का सेवन ना करें। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।